आइए हम बताने जा रहे हैं कि बिना मतलब के दुनिया में कोई किसी का नहीं है। पुत्र कमाई करके धन लावे, पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, पिता के पुत्र सपूत अकल मंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। ऐसा ही नहीं, नारी सुंदर वस्त्र आभूषण, नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, और जो भाई लायक न दो तो मुखड़ा लेत बेगार, जगत में मतलब को व्यवहार। बिना मतलब के दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कैसे नहीं है तो आओ हम बताने जा रहे हैं। एक बाबा जी थे, वो बाबा जी जो रहे वे गांव की गलियों में आवाज लगाने लगे, गांव के लोगों ये दुनिया झूठी है। अरे एक गांव में सुनो भ्रात, अरे आई गए साधु मुनिया, सब कोई उपदेश सुनाते थे, झूठी दुनिया झूठी। गलियों में आवाज लगाने लगे, लोग दुनिया झूठी, दुनिया में कोई किसी का नहीं। सब लोग बोले बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे, दुनिया में कोई किसी का नहीं। सो एक लड़का निकल के आओ, बोलो बाबा जी हाय पागल हो क्या, ये समझते हो कि तुमने पीले कपड़े पहन लिए ऐसे सब दुनिया पहन ले, मतलब बोले हमसे मिलो ना, हमारे घर वाले हमें कितना चाहते हैं। बोले कितना, बोले अरे हमारी जो पत्नी है ना, अगर हम 5-6 दिन के लिए कहूँ बाहर चले जाएं तो हमारी पत्नी तो पानी तक ना पिए। और बोले कि मेरे रोने पर रो देते हैं, अरे हंसने पर हंस देते हैं, जब हम स्नान करें भैया मेरी बाएं पकड़ के दो। बोला बाबा जी तुम ये समझते हो कि तुमने पीले कपड़े पहन लिए सब लोग पहन लें, हमारे घर वाले हमें इतना चाहते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। बाबा जी बोले लला तुम काम का कर। बोले कछु ना, पूरे दिन आराम से चदरा उड़ के सो, जैसे ही रात भाई बंदूक उठाई डकैती डाक तो बस यही काम। बाबा जी बोले बस यही तो बात है, तुम घर वालों के लिए कमाते हो, घर वाले सब खाते हैं, इसीलिए घर वाले तुम्हारी इज्जत करते हैं। लड़का बोला हम ये बात पे बिल्कुल विश्वास ही नहीं करेंगे, वो चाहते हैं तो चाहते हैं। बोले देखो विश्वास हम कराएंगे, ऐसा करो हमारे आश्रम पे आ जाया करो, तुम तुम्हारे लिए प्राणायाम विद्या सिखाएंगे। भक्तों को लड़का जो रहे वो महात्मा जी के आश्रम पे जाने लगा, और जब जाने लगा तो महात्मा जी उसे प्राणायाम विद्या सिखाने लगे। घंटन बिना सांस ले मुर्दा, बने ऐसे ही लेटे रहो। लड़का जब विद्या सीखो उस बाबा जी ने जग के ये सोलला हाय अब घर जाओ, और जाए के तुम मुर्दा बन के लेट जी। सो लड़का बोलो बाबा जी ये सुना हो, हम मुर्दा बन के लेट जाए भी हमें जरा है तुम आओ ना।
बाबा जी बोले कोई बात ना, तुम जा गली में चलो, हम दूसरी गली में आए आए। सो लड़का घर पे पहुंचू, अपनी अम्मा से बोलू, अम्मा आज हमारो खीर पूरी पे बड़ा मन चल रहा है, सुबह खीर पूरी बनवाओ। सुबह कहा न की देर कन की कहा देर, डोकरी ने अपनी बहू से कही, क्यों सुनना है रही, आज लला ने बड़े दिन के बाद कही है खीर पूरी बना तू। सुबह ने खीर पूरी बनाई और आवाज लगाई, आओ खाओ। सो लड़का चलो, जैसे ही आंगन में पहुंचो सो बाबा जी की बात याद आएगी। सुबह ने खम हो रहा है, वहां खम्भ में गोड़े फंसाए, वहीं पछाड़ खाए के गिर गए। हाय वे चौका में से भाज के आई, जब वे भाज के आई उन्हें नबज पकड़ी, वहां कहूं का सुना है वे सब हमारे दर। हाय वे तो रोन लगी, लेकिन फिर एक बात दिमाग में गूंज गई, अब ऐसा रोए हैं तो जिंदा ना बह जा रहे, थोड़ी देर बाद रोए हैं तो ना जिंदा बह जा रहे, लेकिन खीर पूरी बड़ा दिन बाद बनाई, पहले चलो खाए। सुबिन ने सांकल लगाई गेटी की, चौकी में खान बैठेगी पतीली में, जब खूब खेची बाकी बाद में गेट की सांकर खोली, फिर लड़का की छाती में गुम मार मार के रोई। लड़का सोचन लगो, हाय मरे तो ना ते, लेकिन अब जब मान डरे, अब सब लोग आ गए, सब लोग रो रहे हैं लेकिन अपने अपने मतलब को रो रहे हैं। कैसे? भाभी बोली, लला तुम मर गई जबात को, मैं दुख बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन दुख जबात को है, तुम्हारे अलावा कोई घर में कमान वालों नहीं रहो। और बोली, भाभी ने रोई के जवाब दो, एक तुम ही घर में कमाते थे, और तेरे पीछे उलाला सब बैठे बैठे खाते थे। भाभी बोली, भाभी बोली, लला तुम मर गए पहले मर जाते, कोई टेंशन ना है, लेकिन दुख जबात को है, तुम्हारे अलावा कोई कमान वालों नहीं रहो। और बोली, मैया रोई के कहाँ ना लगी, कोई कौन रुपया चाहेगा, नारी चिल्लाए के बोली उठी, मैं कौन साड़ियां रो रहे हैं, लेकिन अपने अपने मतलब को रो रहे हैं। तो कछु लोग जब जुड़ के आए बोले, शुक्र अब जाए कहां समझा लो रखे रहे हो, सो जाए अंतिम संस्कार करो छुट्टी करो। अब रिश्तेदार तो सब आ ही गए, लड़का सोचन लोग न जाने बाबा कहां है, लेकिन वो ही बाबा जी गांव की दूसरी गली में आवाज लगाने लगे, गांव के लोगों अरे कोई दवा करा ले घर हमसे, तुम फिर दवा दे देते हैं, और एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा चिंता कर देते हैं, मुर्दा चिंता कर देते हैं, मुर्दा चिंता कर देते हैं। बाबा जी बोले, हम ऐसी दवा जिंदा कर देते। लोग भागे, बोले बाबा जी थोड़ी देर पहले लड़का बिल्कुल सही था, और ना जाने उसे क्या हो गया, वो तो खत्म हो गया,
लेकिन तब तक कुछ लोग बोले ऐसा करो इसे लेके चलो। तो का देखी कि लड़का के जो पैर रहे वे बा खम्मा में फंसे रहे। सबने की अब जी कैसे निकाल रहे, बोले ऐसो करो जब खम्मे को तोड़ो तब जे लड़का की गोड़ निकलेंगे। जब जाके जब खम्मे को तोड़ो सो और कोई ना है, बोले वो लड़का ही पत्नी आई। बोले सुन ना रे, अब जे एक कमान वाले थे और जे मरे गए, जब खम्मे को अब कोई बनवाई ना पाए, हमने जब सुनी कि मरे बहने के पीर ना हो तेने गोड़े काट दे। लड़का सोचने लगो बाजी वाह कैसे गोड़े कटवा रही। तब तक वही बाबा जी जो रहे कुछ लोग जाकर के उन्हें घर पे ले आए। अब सब लोग कह रहे बाबा जी चाहे हमारा पूरा घर ले लो चाहे हमारी पूरी दौलत ले लो लेकिन हमारे लड़का को जिंदा कर दो। बाबा जी बोले कोई बात नहीं, दौलत की कोई जरूरत नहीं, ऐसा करो एक लोटा दूध मंगाओ। जब दूध मंगाया लोटा हाथ लियो फिर क्या तरकीब निकाली है, सबकी नजर बचा करके बमराग जरा सी जाली है। बाबा जी ने दूध मंगाया और दूध में थोड़ी सी राख डाली, बोले तुम लोगों ने देखा इसमें क्या डाला है? बाबा जी हमने नहीं देखा क्या डाला, अरे इसमें मैंने जहर डाला है जहर। अरे तूने को लोटा हाथ लाए और फिर क्या तरकीब निकाली है, सबकी नजर बचा करके वो मेरा जरा सी डाली है। दूध मंगाया दूध में जरा सी राख डाली, बोले तुम लोगों ने देखा इसमें हमने क्या डाला? सब लोग बोले बाबा जी मुझे नहीं पता क्या डाला। बोले इसमें हमने जहर डाला है और जो इस जहर को पी लेगा वो मर जाएगा, उसके बदले में लड़का जिंदा हो जाएगा। और भक्तों जो जब बात सुनी वो पड़ोस के रिश्तेदार सब किनारो करेगा, बोले जब आवे इसे भगवान बचाए। जब सब लोग चले गए तो वे घर के कहां जाए, तो बाबा जी ने लड़का के बाप को बुलाओ, बोले इधर आओ। देखिए पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है जब उसके सामने उसके पुत्र की लाश रखी हो, ऐसा करो जो दूध को तुम पियो। किले भाई तू ही ओ मर जाइए इसको पी करके, प्रभु जमाना देख लिया अब कहा करोगे पी करके। सोचो अगर हम मर गए
तो हमारे डोकर को कोई बहू एक रोटी की देवई उन्हें हमारे डोकर भूखे वाला फिरे तज दूध को हम न पिए। लड़का की भाभी को बुलाओ, बोले धरा है कमाई तो तुम ने खाई है। सो भाभी हाथ न चाहते भाई, बोले क्यों पिए बा जब तू मरेगा वो सो हमारो तो 7:30 हाथ तो तैयार है। लड़का की पत्नी को बुलाया, बोले देखो पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख होता है अगर उसका पति खत्म हो जाए, क्योंकि जिस स्त्री का अगर पति नहीं रहता उसका दुनिया में कोई सम्मान नहीं करता। इसलिए तुम जब दूध को पी लो तुम मर जाओगी और तुम्हारे पति फौरन जिद्दा हो जाएंगे। पत्नी बोली बाबा जी अरे बाबा जी नहीं, तुम जब दूध को पियो तुम मर जाओगे, तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे, समझी नहीं। बोली बाबा जी दूध कोई बात ना, दूध चाहे छिरिया को हो चाहे बकरिया को हो दूध तो हम सभी पी लेते हैं। बाबा जी लेकिन किंतु परंतु क्या करती हूँ, अरे जब दूध को पियो तुम मर जाओगे, तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। बोले बाबा जी अरे कुछ कहोगी अब ऐसे ही बाबा जी, पीना या नहीं पीना है। बाबा जी दूध तो खेरा मां भैंसियां अपने मायके में दूध कर दे, सो मैं कच्चू दूध पी जाते हो जू तो एक लोटा की बात है, कोई भान ना। बाबा जी अरे तुम्हें पीना या नहीं पीना ये बताओ। बोली बाबा जी जब सोचो जब हम जब दूध को पी लिया तो हम मर जाए, तब जे जिंदा हुई तो फायदा कौन सी, हमारे तो हे चले आए जी ना और ही से। बाबा जी बोले हम पी ले तो सब लोग कान लगे, बाबा जी बोले हम पी ले हर को का तुम सब राजी हो, सब चिल्लाए के बोली उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। एक बार आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा
बच्चे गली गली में गाने लगे। ऐसे ही कुछ दिन पहले फिल्म वालों ने गाना गाया, कौन सा, कि ये परी दाया डाल दो, चरम मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैरी नहीं, हम तुम पर मरने वाले हैं, कोई गैरी नहीं। ये गाना जैसे फिल्म वालों ने गाया तो एक लड़की फिल्म देख के आई, उसे ये गाना बहुत अच्छा लग गया। स्वामी आधार चेतन जी की भागवत चल रही, जैसे स्वामी जी ने आरती कराई, वो लड़की ने माइक पकड़ लो, वो गाना को अपनी तर्ज में ढार के बोली, का बोली कि पर्दा हटाए दे मैया मुख दिखलाए दे, पर्दा हटाए दे मैया मुख दिखलाए दे। लड़की ने माइक पकड़ लिया और माइक को पकड़ के इस गाने को अपनी तर्ज में ढार के बोली, लड़की गाना बहुत अच्छा गाती, जम्मी गाई। रात का कार्यक्रम रहे, कीचक बद की लीला भई, जैसे ही द्रौपदी बनकर के भीम आए हैं और जैसे ही कीचक ने देखा तो कीचक बोला, अरे तू जल्दी पर्दा हटाए दे, बोले वाह गुरुदेव गाना बहुत अच्छा गाते, इसे हम भी गाएंगे, हम क्यों पीछे रह जाएं। सोनो ने इस गाने को लिया और अपनी तर्ज में ढाल लिया, क्या बोले, देखिए जिस समय लाखन को आता हुआ पद्मा ने देखा है उसी समय, अरे अरे पकड़ी कलाई पद्मा नारी पति अपने को पद्म
जैसे ही आला सम्राट सृजन चेतन जे लाने गाई बाग के बाद हमारे स्वर सम्राट माननीय ब्रजेश शास्त्री ने सुन पाए, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उन्होंने जैसे इस गाने को सुना बोले, अरे स्वामी आधार चेतन भी गाते हैं, आला सम्राट सृजन चेतन भी गाते हैं, हम क्यों पीछे रहते हैं, हम जरूर गाएंगे। इस गाने को उन्होंने अपनी तर्ज में ढारा और बोले कि पर्दा तो
नौटंकी वालों ने। अब वो बोले कि पर्दा हटा दे मेरी जान, मुख दिखलाए दे, पर्दा हटा दे मेरी जान।
आप लोगों के समक्ष जो ये आवाज आ रही है कुमारी स्वागत शास्त्री की न्यू जार्मिन कैसेट कंपनी की तरफ से। हम बताने जा रहे हैं, अगर आजकल किसी से बात करो भैया ऐसा काम करना, लेकिन हाँ थोड़ा VIP, कैसा VIP का चक्कर है तो आओ बताने जा रहे हैं कि हम रहे तुम्हें समझाए चलिया
दृष्टांत लेकर के चल रहे हैं, जो आप सुनेंगे कुमार कुशवाहा शास्त्री की आवाज में न्यू जारमिन कैसेट कंपनी की तरफ से। तो जरा गौर करें कि पहले क्या था, अब कहां से कहां तक दशा बदल गई है, जरा ध्यान दें।
सुहागत शास्त्री की आवाज में न्यू चार्मीर कैसेट कंपनी की तरफ से कि जो नाच नाच के तैयार होती है रोटी, वो आदमी को कैसे नाच नचाती है। हाथ में होती है तब भी नाचती है, तवे पे होती है तब भी नाचती है, चूल्हे के अंदर कर दो तब भी नाचती है। जो नाच नाच के तैयार होती है वो कैसे आदमी को नाच नचाती है रोटी, जरा गौर करें। लेकिन मेरी नजर में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती।